ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। महारानी विक्टोरिया को कौन नहीं जानता है, वह ब्रिटेन की महारानी थी। उन्होंने दुनिया के एक चौथाई हिस्से यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर राज किया था। उनके समय 1837 से 1901 में ही ब्रिटेन एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा था। इन सब के बावजूद महारानी विक्टोरिया को एक और खास वजह से भी जाना जाता था, और वो है एक जानलेवा रोग। कहते हैं कि महारानी उस खतरनाक बीमारी की पहली शिकार थी, और उसके बाद से उस रोग को रॉयल डिजीज यानी शाही बीमारी कहा जाने लगा। स्वागत करते हैं हमारी आज की प्रस्तुति में, जहां हम आपको हीमोफीलिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। दरअसल महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की शिकार थी। इसके बारे में तब पता चला था जब ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे। शाही परिवार के कई सदस्यों के हीमोफीलिया से पीड़ित होने के कारण ही इसे शाही बीमारी की संज्ञा दी गई। महारानी विक्टोरिया की दो बेटियों और एक बेटे को यह बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से ही उनके बेटे प्रिंस लियोपोल्ड की मौत एक दुर्घटना के बाद रक्तस्राव से हो गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 30 साल थी। बाद में जब महारानी की दोनों बेटियों की शादी अलग अलग देशों के राजाओं और राजकुमारों से हुई, तो यह बीमारी आनुवांशिक तौर पर दूसरे देशों में भी फैल गई। आज कई देशों के लोग हीमोफीलिया से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ खून जमता नहीं है। यह बीमारी चोट लगने पर या दुर्घटना में घायल होने की स्थिति में जानलेवा साबित होती है, क्योंकि खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रोग का कारण एक रक्त खून प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस प्रोटीन की विशेषता ये है कि यह बहते हुए खून के थक्के जमा कर उसका बहना रोक देता है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों को ही होती है, लेकिन यह औरतों द्वारा फैलती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बीमारी पीढ़ियों तक चलती रहती है। हालांकि इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या भारत में बेहद कम है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में जन्मे लगभग प्रत्येक 5000 पुरुषों में से एक पुरुष हीमोफीलिया से ग्रस्त है, यानी कि हमारे देश में हर साल लगभग 1000 से 1700 बच्चे हीमोफीलिया के साथ जन्म लेते हैं। इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भाग में जरा सी चोट लग जाने पर बहुत अधिक मात्रा में खून का निकलना आरंभ हो जाता है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पीड़ित रोगियों से पूछताछ करने पर बहुधा पता चलता है कि इस प्रकार की बीमारी घर के अन्य पुरुषों को भी होती है। इस प्रकार यह बीमारी पीढ़ियों तक चलती रहती है। हीमोफीलिया एक गुर्दा रक्त संबंधित रोग है, जो आपके रक्त को ठंडा होने से रोकता है और खून के थक्के बनाने में कठिनाई पैदा करता है। यह एक गुर्दा रक्त संबंधित रोग है, क्योंकि इसका कारण आपके शरीर में एक विशेष प्रकार के पैटर्न वाली रक्त पैदा करने वाले फैक्टर की कमी है, जो रक्त को ठंडा होने से रोकता है, और हीमोफीलिया के कारण रक्त के थक्के बनाने वाली क्रिया प्रक्रिया में कमी हो जाती है, जिसके कारण हीमोफीलिया रोगियों को ज्यादा से ज्यादा रक्त संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हीमोफीलिया के कई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रमुख दो ही प्रकार हैं। पहला हीमोफीलिया टाइप ए, इस प्रकार के हीमोफीलिया को क्लासिक हीमोफीलिया के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है। दूसरा हीमोफीलिया टाइप बी, इसे क्रिसमस रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह क्लॉटिंग फैक्टर 9 बनने में होने वाली कमी के कारण होता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया के लक्षणों की। पहला लक्षण, रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होना हीमोफीलिया का एक प्राथमिक लक्षण है। दूसरा लक्षण, त्वचा के नीचे ब्लीडिंग होना जो हेमेटोमा शरीर के नरम ऊतकों में रक्त जमा होना का कारण बन सकता है। तीसरा लक्षण, मुंह में या मसूड़ों से खून बहना, ऐसा आमतौर पर दांत संबंधी कोई ट्रीटमेंट सर्जरी या रोग होने के बाद होता है। चौथा लक्षण, वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लेने के बाद खून निकलना। पांचवा लक्षण, जोड़ों में ब्लीडिंग होने से प्रभावित जोड़ों में सूजन या दर्द होना, इसमें ज्यादातर कोहनी घुटने और टखने प्रभावित होते हैं। छठा लक्षण,
बार बार नाक से खून बहना जिसे रोकना मुश्किल हो जाना। सातवां लक्षण, मुश्किल डिलीवरी के बाद नवजात के सिर से खून दिखाई देना। आठवां लक्षण, पाचन प्रणाली में ब्लीडिंग होने से उल्टी, मल या पेशाब में खून दिखना। नवां लक्षण, मस्तिष्क में ब्लीडिंग होने के कारण सिरदर्द, उल्टी या दौरे की समस्या हो सकती है। हीमोफीलिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक गंभीर समस्या है जिसकी समय पर देखभाल न होने पर जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आपको उपरोक्त में से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है या फिर किसी अन्य कारण से आपको लग रहा है कि आप हीमोफीलिया से ग्रसी हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, नियंत्रित करने वाली जीन में गड़बड़ी, म्यूटेशन होना ही लगभग सभी प्रकार के हीमोफीलिया का प्राथमिक कारण है। रक्त के थक्के जमना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी खुले घाव को बंद करके ब्लीडिंग को रोक देती है। हीमोफीलिया ए और बी का कारण बनने वाली जीन में म्यूटेशन का लगभग एक तिहाई हिस्सा माता पिता से ही प्राप्त होता है और बाकी का म्यूटेशन अपने आप हो जाता है। यहाँ तक कि जिन लोगों के परिवार में किसी को हीमोफीलिया की समस्या नहीं है, उन्हें भी यह रोग हो सकता है। जिन लोगों को बिना किसी फैमिली हिस्ट्री के हीमोफीलिया हो जाता है, उस स्थिति को एक्वायर्ड हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 को नुकसान पहुंचाना एक्वायर्ड हीमोफीलिया का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। सुप्रतिरक्षित रोग, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रेगनेंसी, दवाओं से रिएक्शन होना आमतौर पर स्थितियों में इम्यून सिस्टम क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 को नुकसान पहुंचाने लगता है। हीमोफीलिया होने के जोखिम कारक, परिवार में पहले किसी को हीमोफीलिया होना, फैमिली हिस्ट्री की इसका सबसे बड़ा जोखिम कारक माना जाता है। इसके अलावा पुरुष होना भी हीमोफीलिया का जोखिम कारक हो सकता है क्योंकि इसके मामले महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में पाए जाते हैं। हालांकि यह बिना फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों को भी हो सकता है। हाल ही में करीब 33% बच्चे ऐसे हैं जिनमें हीमोफीलिया की पुष्टि हुई है, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं था। इन मामलों के पीछे का कारण क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने वाली जीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन या बदलाव माना गया है। जीन में आए इस परिवर्तन के कारण क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर पाता है या फिर मौजूद ही नहीं होता है। हीमोफीलिया अधिकतर मामलों में माता पिता से बच्चों में होता है। यदि गर्भ में पल रहे बच्चे की माता या पिता को हीमोफीलिया है, तो बच्चे को यह बीमारी है या नहीं, इस बात की जांच नहीं की जा सकती है। हालांकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की मदद से यह बीमारी बच्चे को होने से बचाव किया जा सकता है। इस तकनीक में अंडे की जांच की जा सकती है कि उसमें हीमोफीलिया है या नहीं। ऐसे में सिर्फ उसी अंडे को इम्प्लांट किया जाता है जिसमें हीमोफीलिया न हो। यदि माता या पिता में से किसी को हीमोफीलिया है, तो उन्हें बच्चे की प्लानिंग करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके अलावा नॉनस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं न ले, जोड़ों पर जाटदा दबाव न पड़े इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें और उनकी देखभाल रखें। अपना पहचान पत्र साथ रखें जिसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा हो। यात्रा के दौरान विशेष सावधानियां बरतें। हेपेटाइटिस ए और बी का टीका जरूर लगवाएं, इससे रोकथाम किया जा सकता है। यदि किसी को हीमोफीलिया है, तो उसे किसी भी तरह ब्लीडिंग होने पर तुरंत इलाज करना चाहिए। खून संबंधी या अन्य किसी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें और समय समय पर जांच अवश्य कराते रहें। हीमोफीलिया का इलाज पूरी तरह से उसके प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। अनुपस्थित क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करना ही हीमोफीलिया के इलाज का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया भी से सामान्य रूप से काम करने लग जाती है। इसके लिए कृत्रिम रूप से तैयार किए क्लॉटिंग फैक्टर को इंजेक्शन तकनीक की मदद से मरीज की नसों में छोड़ा जाता है। शोधकर्ता हीमोफीलिया के सही इलाज की पहचान करने के लिए जीन थेरेपी पर काम कर रहे हैं। क्लॉटिंग फैक्टर, इसे कॉन्सेंट्रेटेड 8 या 9 प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इन इन्फ्यूज्ड दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर हीमोफीलिया टाइप ए और बी का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये दवाएं सिंथेटिक भी हो सकती है और मानव प्लाज्मा से भी बनाई जा सकती है। अमीनोकैप्रोइक एसिड, ये दवाएं रक्त के थक्कों को छोटे टुकड़ों में टूटने में मदद करती है।
इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर आमतौर पर डेंटल ट्रीटमेंट या अन्य किसी सर्जरी से पहले करते हैं। नॉन फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी हीमोफीलिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाएं नई तकनीक पर आधारित है। इनमें सिंथेटिक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जो क्लॉटिंग फैक्टर की एक नकली कॉपी के रूप में काम करता है। फिजिकल थेरेपी कुछ गंभीर मामलों में, यदि हीमोफीलिया के कारण आपके शरीर के जोड़ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो ऐसे में फिजिकल थेरेपी की मदद से उन्हें रिहैबिलिटेशन दी जाती है। दर्द निवारण, यदि हीमोफीलिया के किसी कारण से आपके दर्द भी हो रहा है, तो पेन मैनेजमेंट थेरेपी के रूप में डॉक्टर आपको कुछ अन्य दवाएं भी दे सकते हैं, जिनकी मदद से आपको दर्द से छुटकारा दिलाया जा सकता है। हीमोफीलिया के कुछ अन्य उपचार विकल्प भी हैं, जैसे इंजेक्शन या नेजल स्प्रे की मदद से हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीज को क्लॉटिंग फैक्टर की बढ़ी हुई मात्रा को रिलीज किया जा सकता है। कुछ दवाएं हैं जो क्लॉटिंग को रोकने में मदद करती हैं और उनके टूटने में सहायता करती हैं। फाइब्रिन सीलेंट भी उपयोगी हो सकते हैं, खासकर दांत से जुड़ी प्रक्रियाओं में, क्योंकि यह घाव के जमाव और उसके उपचार में सक्षम है। जोड़ों में हल्के ब्लीडिंग के मामले में फिजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। यदि ब्लीडिंग ज्यादा है और जोड़ों को नुकसान हुआ है, तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। त्वचा के नीचे मामूली ब्लीडिंग में आइस पैक लगाने से मदद मिल सकती है। मुंह में ब्लीडिंग होने पर बर्फ के टुकड़े मदद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।